फ्रेंड में डॉक्टर जितेंद्र मोहन डॉक्टर आज हम लोग ब्रायनिया 200 होम्योपैथिक डॉक्टर ईबी नायस के लीडर्स नायस बुक के सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। रोगी चाहे किसी भी रोग से पीड़ित हो, यदि चुपचाप पड़े रहने पर रोगी को राहत महसूस होती है और ज़रा सा हिलने डुलने पर तकलीफ़ फिर बढ़ जाती है, अथवा जितना ही अधिक वह हिलता डुलता है उतनी ही अधिक उसकी पीड़ा में वृद्धि होती, तो सबसे पहले ब्रायनिया 200 को ही आजमाना चाहिए और इसके बाद यह तभी दी जानी चाहिए जब इसके विपरीत या प्रतिकूल कोई बड़ा मार्गदर्शक लक्षण मिले या उभरे। इस बात को कोई महत्व नहीं मिलना चाहिए कि शरीर के किस अंग का या तंतु पर रोग का हमला हुआ। सभी मामलों में एक ही मार्गदर्शक नियम काम में आता है। ब्रायनिया 200 का दूसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है दबाने से घटना। रोगी की सेवा करने वाले व्यक्ति प्रायः यह देखकर चकित हो उठते हैं कि रोगी उसी करवट लेटना या सोना चाहता है जिस ओर उसे दर्द का अनुभव होता है। विपरीत दिशा में सोने पर बेलाडोना 200 कालीकार्प 200 देने से लाभ होता है। ब्रायनिया 200 फीवर के लिए प्यास, खांसी, बुखार, जाड़ा, बदन में दर्द में ब्रायनिया 200, यूपटोरियम 30 या 200, रस्टाक्स 200, कोलोसिन 200 देने से बहुत जल्दी लाभ हो जाता है। बुखार रहने पर एक दिन दूध, चाय, बतासा, पानी उबाला चार चीज़, उसके अलावा पांचवा चीज़ न ले, वो एक ही दिन में बुखार, खांसी, बदन में दर्द, से जाड़ा, प्यास, ऐठन सब में एक ही दिन में आराम होने लगता है। आज और कल खाना बंद कर दे, दूध, चाय, बतासा, पानी उबाला आज और कल ले, तीसरे दिन से दाल रोटी पानी उबाला। अगर बुखार उतर गया है तो तीसरे दिन से दाल रोटी, लौकी, कोहड़ा, नेनुआ की सब्जी बिना मसाले की एक हफ्ता खाए तो पूरा ताकत आ जाएगा और बदन दर्द, बुखार, खांसी, सर्दी, जाड़ा सब में तुरंत आराम मिलने लगता है। इसके अलावा सिर में दर्द अगर हो तो चाइना आर्स 30, रस्टाक्स 200, आर्सेनिक अल्बा 200 देने से बहुत जल्दी बुखार उतरने लगता है और बदन दर्द, सिर दर्द, जाड़ा, बुखार, मलेरिया, टाइफाइड, चिकनगुनिया, करोना, ओमिक्रॉन सब में बहुत जल्दी राहत मिल जाती है। एक ही दो दिन में बुखार पूरा उतर जाता है और नॉर्मल होने के लिए एक हफ्ता दाल रोटी, पानी उबाला, लौकी, कोहड़ा, नेनुआ की सब्जी खाए। डियर फ्रेंड, हेलो फ्रेंड, आज हम लोग 917 वीडियो बना चुके हैं। सभी वीडियो का लाभ लेने के लिए हमारे वीडियो यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप सभी पे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, तो रोज़ आप हमारे वीडियो से अपने रोग के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेंगे और परहेज करके दूध, चाय, बतासा, पानी उबाला आज और कल लेने से सारी तकलीफ़ एक ही दो दिन में ठीक होने लगती है।
और एक हफ्ता दाल रोटी पानी उबाला, कोहड़ा लौकी नेनुआ की सब्जी खाते रहे, और रोग के हिसाब से तकलीफ के हिसाब से दवा बदलते जाए। जो दवा ज़्यादा काम करे उसी दवा को बार बार लेने से, खाने से, उपयोग करने से बहुत जल्दी रोग ख़त्म हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। ब्राइनिया 200 जिन लोगों ने रोगी की सेवा करते हुए इन दोनों लक्षणों के आधार ब्राइनिया 200 का प्रयोग और उससे होने वाले लाभ को अपनी आँखों से देखा है, वे जानते हैं कि उक्त दोनों लक्षण कितने अधिक महत्वपूर्ण और कीमती होते हैं। पल्साटीला 200 की भांति ही ब्राइनिया 200 की भी श्लेष्मिक झिल्लियों पर प्रतिक्रिया होती है, पर दोनों में अंतर भी रहता है। ब्राइनिया 200 में सूखापन अधिक रहता है तथा रक्तस्राव भी नाम मात्र का होता है। यह खुश्की ओठों से प्रारंभ होकर सभी श्लेष्मिक झिल्लियों को प्रभावित करती हुई मलांत तक जाती है और मल भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। पाचन संस्थान के सूखेपन का भान भारी प्यास से लेता होता है। रोगी अत्यधिक पानी पीता है, इस सूखेपन का प्रभाव फेफड़ों और श्वास नली पर भी पड़ता है, इसलिए रोगी को सूखी खांसी आती है तथा नाम मात्र का बलगम निकलता है। साथ ही खांसते हुए छाती में दर्द होता है। छूने पर भी दर्द की अनुभूति होती है। नेट्रम सल्फ 200 में छूने से होने वाले दर्द के साथ ढीला बलगम भी रहता है। इसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप पेशाब की मात्रा भी कम ज़्यादा रहती है। दवाओं के उपयोग में हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि प्रत्येक दवा की दोहरी प्रतिक्रिया होती है, जिसे ओपियम 200 की मुख्य क्रिया नींद या बेहोशी लाना होती है। तो प्रतिक्रिया नींद का ना आना होता है। अतः रोग को पूरी तरह समाप्त करने के लिए ज़रूरी है कि दवा की मुख्य क्रिया को समझने के बाद ही उसका उपयोग किया जाना चाहिए। लेकिन यदि मुख्य लक्षणों के समाप्त होने पर गौण लक्षणों के लिए दवा का उपयोग करने पड़े तो पूर्व स्थिति लक्षणों को की भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। पहले के तथा वर्तमान लक्षणों को मिलाकर ही दवा का उपयोग किया जाना चाहिए, अन्यथा हो सकता है कि रोग दब जाए या पूर्णतः ठीक न हो। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।